প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায় তার উপর একদিনের মহড়া অনুষ্ঠিত হয় উদ্যোক্ত গোমতী জেলা প্রশাসন এই মকডিলটি অনুষ্ঠিত হয় শালগড়া রেল বীজ এলাকায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শাসক গোভেকার ময়ূর রতিলাল মহকুমার শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ জেলার পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তারা ছিলেন উপস্থিত হঠাৎ জলে পড়ে গেলে গাড়ি দুর্ঘটনায় কিংবা আগুন লাগলে কিভাবে বাঁচানো যায় এই নিয়ে বৃহস্পতিবার ছিল মহড়া পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক মোকাবেলার উপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংগঠিত হয় এলাকার বাসিন্দাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কি করতে হবে ও কিভাবে নিজেকে ও অপরকে রক্ষা করা যায় এ বিষয়ে অবহিত করা হয় আজ দিনাঙ্ক পঁচিশ চার কো আসাম ও এক্সারসাইজ অন ফ্লাড পে কিয়া इस एक्सरसाइज में यहाँ की पब्लिक के लोगों को विभिन्न डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया फॉर एग्जाम्पल रिवर क्रॉसिंग बोट हैंडलिंग रेस्क्यू टेक्निक रेस्क्यू एवोकेशन ड्रील फायर सर्व फायर सर्विस फॉरेस्ट फायर इत्यादि का डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया बेसिकली इसका दिखाने का मकसद ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशनों में आप जब रूबरू होते हैं लाइफ इंश्योरेंस आपके समक्ष होती है तो आप एक कम्युनिटी होने के नाते किस तरह से फर्स्ट स्टेंडल होने के नाते कैसे उसको आप हैंडल करते हैं यह ऑपरेशन आज यह एक्सरसाइज आज दिनांक पच्चीस चार दो हज़ार तेईस से दस बजे ले से लेकर बारह बजे तक चला यह कार्यक्रम बहुत ही सुचारू ढंग से कमांडेंट इक्कीस सेक्टर्स असम राइफल्स तथा डीएम के मौजूदगी में सुचारू ढंग से संपन्न किया गया सर आपके नाम मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार फर्स्ट बटालियन एन डी आर एफ आई आर सी गोकुल नगर आज जो प्रोग्राम हुआ ए, वो तो भूमिकम्पों के लिए नहीं नहीं ये जो बेसिकली आज हमें फ़्लड रेस्क्यू के ऊपर सारा दिखाया गया कि फ्लड आती है तो कैसे क्या करें क्या ना करें आ, किस तरह से जो है फ्लड आती है तो कैसे जो है हमें रेस्क्यू करना है यहाँ के पब्लिक को जागरूक किया गया